हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छे प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये देखिए, ये मिनी चांदनी का प्लांट है और इसके दो तीन वैरायटी आता है, मिनी चांदनी, डबल चांदनी और एक वेरीगेटेड में भी रहता है और उसका भी फूल वाइट कलर का रहता है। आप मिनी चांदनी लीजिए चाहे डबल चांदनी लीजिए और एक चांदनी का आता है, सभी का फूल वाइट ही कलर का आता है। और मिनी चांदनी बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, आप इसको बोनसाई भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस समय रेनी सीजन में आप हर नर्सरी पे आप जाएंगे तो हर नर्सरी पे ये प्लांट आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इस समय रेनी सीजन का ये प्लांट है, हर नर्सरी पे ये अवेलेबल है, आप जाके आप ख़रीद सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। और ये दोस्तों, मेरा ये प्लांट तो पिछले साल का है और ये प्लांट ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है, 15 से 20 रुपये में आप इसको ख़रीद सकते हैं और बहुत ही आसानी से तमाम हर नर्सरी पे ये मिल जाता है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और पत्तियों के कलर देखिए, एकदम बिल्कुल ग्रीन है। और पत्तियों का साइज़ देखिए, पतला पतला है। और इसके फूलों, ये गुच्छों में फूलों खिलता है और चारों तरफ आप इसको बोनसाई बना सकते हैं। ये चारों तरफ हर ब्रांच पे कलियां रहता है और गुच्छों में इसकी कलियां रहती हैं। और ये रात में ज़्यादा खिलता है, इसी वजह से शायद इसका नाम चांदनी पड़ा है। और ये पूरी तरीके से हर ब्रांच में फूल खिलता है तो एकदम वाइट वाइट का नज़ारा देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये बहुत ही रफ हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। आप चाहे तो इसको आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और विंटर में दोस्तों, ये अपने फूल नहीं खिलाता है, विंटर में डोरमेंसी में रहता है और लगभग थोड़ा बहुत पत्तियों को अपने गिरा देता है, लेकिन ये मरता नहीं है, ये प्लांट मरता नहीं। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये अपने आप को ग्रो करने लगता है। और फ्लावरिंग का सीज़न दोस्तों, रेनी सीज़न में ही इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, पूरे गमले में भर भर के ये फूल आता है, हर ब्रांच में गुच्छों में इसका फूल रहता है और पूरे ही फूलों से ये अपने आप को ढक लेता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो आप ज़मीन में तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही झाड़ी नुमा प्लांट हो जाता है। आप इसको चाहे तो कट करके एक बॉल्स की तरह शेप दे सकते हैं, राउंड इसका शेप बना के और बहुत ही खूबसूरत शेप दे के आप इसको रख सकते हैं। ज़मीन में लगाएं तो भी इसको राउंड की तरफ से शेप बना सकते हैं और गमले में भी ये बहुत अच्छा बोनसाई के तरीके ये अपने आप को रखता है। अगर कुछ ब्रांचेस इधर उधर हो गई हों तो आप उसको काट कर खूब अच्छा गोल नुमा बॉल के तरह आप बना सकते हैं। देखिए, मेरा प्लांट एकदम बोनसाई की तरह बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको कुछ काटा नहीं है, ये अपने आप बोनसाई की तरह बना हुआ है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप इसको फरवरी में प्रूनिंग कर दीजिए, फरवरी मार्च में इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि गर्मियाँ आते ही ये अपने आप को ग्रोथ अच्छी कर दे, हर ब्रांच को अच्छी तरीके से ग्रो करने लगे। और जैसे ही रेनी सीजन आता है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होता है। आप देख सकते हैं मेरे सभी ब्रांच में गुच्छों में इसकी कलियां बनी हुई हैं हर ब्रांच पे और फूल भी अच्छे से खिल रहा है। और दोस्तों, इसकी पॉट की बात करूँ तो अगर आप नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो अगर छोटा आप पौधा ख़रीदे हैं तो आप उसको छोटे गमले में लगाइए, कम से कम 10 इंच के गमले में लगाइए। अगर आप बड़ा प्लांट लेकर आते हैं तो आप उसको 12 इंच के गमले दे सकते हैं ताकि ये अपने आप को अच्छे से फैला सकें और बोनसाई तरीके से अपने आप को बना सकें। देखिए, मेरा प्लांट है कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ से फूल ही फूल दिख रहा है और कलियाँ चारों तरफ हर ब्रांच पे हैं। और दोस्तों, मिट्टी की बात करूं तो इसकी मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा सैंड
और वेल्ड्रेन ही मिट्टी बनाइए, मिट्टी ज़्यादा चिकनी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इसमें पानी रुकना चाहिए। और इसका पेटल देखिए, पांच इसके फूल में पांच पेटल रहता है। और इस तरीके से आप मिट्टी बनाएंगे और जब इसमें पानी देंगे तो पानी निकल फूल से निकल जाएगा। और मिट्टी में हमेशा मॉइस्ट बना रहना चाहिए, मिट्टी को ज़्यादा सूखने नहीं देना चाहिए। और जब ऊपरी लेयर एकदम सूखे तो तभी आप इसमें पानी दीजिए। वैसे गर्मी में तो आप रोज़ ही पानी दे दीजिए, आजकल तो रेनी सीजन है, पानी रोज़ ही बारिश हो रही है, इसको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसको आप फुल धूप में रख सकते हैं, इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। और ये बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसको चाहे जहाँ रख सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको दिन भर की धूप मिले, तो ये धूप में भी अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी अच्छा करता है, क्योंकि ये गर्मी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके में इसका फ्लावरिंग होता है। इसकी पत्तियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप इसको अपने गार्डन में नहीं ऐड किए हैं तो ज़रूर ऐड कर लीजिए, इस समय हर नर्सरी पे आपको मिल जाएगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार लगाएंगे तो आपके गार्डन में ये सालों साल बना रहेगा और ये जल्दी मरता भी नहीं है। और एक बार आप इसको लगा देंगे तो आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। अब बस आप इसका पानी का ख्याल रखें और मिट्टी भी वेल्ड्रेन ही बनाइए ताकि पानी रुके नहीं, अगर पानी रुकेगा तो इसके जड़ जो है गल जाएंगी, तो एक हिसाब से आप पानी दीजिए और धूप भी इसको 5-6 घंटे की धूप दीजिए। और फर्टिलाइज़र दोस्तों आप एक बार इसको आप फरवरी में दे दीजिए और एक बार आप चाहे तो सितंबर के महीने में दे दीजिए। और कम से कम अगर 12 इंच का गमला है तो आप चाहे काउडन कंपोस्ट या तो वर्मिंग कंपोस्ट या तो लीप कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप कम से कम 12 इंच का गमला है तो एक से दो मिट्टी आप कंपोस्ट मिला सकते हैं मिट्टी में। और इसके अलावा अगर आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसके लिए आप एक से आधी चम्मच आप पोटाश भी दे सकते हैं मिट्टी में, उससे आपका फ्लावरिंग बहुत अच्छा होगा। वैसे इसको अगर आप केमिकल ना भी यूज़ करें तो भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है, कोई इसमें केयर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से फूल नहीं आ रहा तो उस सिचुएशन में आप पोटाश भी दे सकते हैं और बोन मील भी दे सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस से भी ये फ्लावरिंग करता है। और अगर आप केमिकल नहीं देना चाहते हैं तो कोई उतना ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ही दे सकते हैं, उसी से ये अच्छा फ्लावरिंग करता है। और कंपोस्ट के साथ आप बोन मील थोड़ा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पॉट के हिसाब से आप दे सकते हैं, क्योंकि बोन मील से केमिकल है नहीं, वो तो ऑर्गेनिक है, उससे अच्छा इसको कैल्शियम मिलेगा और अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं, और एनपीके जो 90-90-19 रहता है, आप उसको भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल मिला के उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, लेकिन 1 लीटर पानी एक ही गमले में मत दीजिएगा, थोड़ा से पॉट के हिसाब से थोड़ा बहुत आप 100-150 के इतना पानी आप मिट्टी में मिला दीजिए, जिस हिसाब से आपका पॉट हो, उससे भी आपका फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये रात के समय खिलता है और इसकी फूलों का कलर एकदम खिल के वाइट कलर आता है और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में फूल खिलाता है। आप चाहे ज़मीन में लगाइए चाहे गमले में लगाइए, ये हर जगह अपनी फ्लावरिंग करता है और हर ब्रांच में गुच्छों में कलियाँ रहता है, आप देख सकते हैं कितनी कलियाँ हर ब्रांचेस में हैं।
और दोस्तों ये कटिंग से भी आसानी लग सकता है, आप चाहे तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, आप रेनी सीजन में इसके आप कटिंग करके लगा सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत ही हार्डी है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। और अगर आप कटिंग नहीं भी लगाना चाहते हैं तो वैसे भी नर्सरी पे ज़्यादा महंगा आता भी नहीं, आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, 10 से 15 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से ये प्लांट आता है, आप वहाँ से परचेस करके अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए और बहुत ही आपके गार्डन के शान बढ़ाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस वक्त पूरे ब्रांच में फ्लावरिंग होता है तो उस वक्त नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ में मेरे प्लांट में फूल ही फूल हैं और कलियाँ ढेर सारी बनी हुई हैं, और इसके पत्तियों का देखिए, पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितना ग्रीन है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने मिनी चांदनी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोग ज़रूर परचेस करके लाइए, अपने गार्डन में ऐड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, आप एक बार लगा के आप छोड़ भी देंगे तो भी ये अपने आप को खिलाता रहेगा, उगता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।